नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के कारण दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने की वजह से सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने बढ़ा दिया है। इसी के साथ इसकी तारीख 31 अगस्त कर दी गई। ये तीसरी बार है जब समय सीमा बढ़ाई गई है। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू की गई थी। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने एयर इंडिया की बिक्री से संबंधित रुचि पत्र में एक बदलाव जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए संभावित बोलीदाताओं से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर समय सीमा बढ़ा दी गई। जनवरी में जब पहली बार एयर इंडिया की बिक्री को लेकर रुचि पत्र जारी किया गया था, तब बोली लगाने की समय सीमा मार्च तक की रखी गई थी। इसके बाद 30 अप्रैल तक और फिर 30 जून तक बढ़ा दिया गया था। अब इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने अपनी वेबसाइट पर डाले गए संशोधन में बताया है कि इसके अलावा अर्हता प्राप्त इच्छुक बोलीदाताओं को सूचित करने की तारीख को भी 2 महीने के लिए बढ़ाकर 14 सितंबर तक कर दिया गया। बता दें कि लॉकडाउन के बाद से ही विमानन क्षेत्र को कोरोना वायरस महामारी की अधिक मार झेलनी पड़ रही है। विमानन कंपनियों ने उड़ानों को रद्द कर दिया है और कर्मचारियों के वेतन में कटौती की घोषणा की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।